नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड के संबंध में कोर्ट के माध्यम से जारी नोटिस के बारे में। इसके अलावा 22,000 पदों पर तथा शिक्षकों के बारे में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के पूरे कार्यक्रम और इसके अलावा शिक्षा मित्रों के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए प्रतीक मिश्रा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस याचिका को दाखिल किया गया था, उसके अंदर दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम पर रोक लगा दी गई थी। अभी तक उनके परिणाम को लेकर तो जारी कर दिया गया था, लेकिन प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर रोक लगाई गई थी। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि पीएनबी के माध्यम से प्रमाण पत्र भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर रोक लगी है, जिसके चलते उनको यहाँ से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो आदेश है वो जारी नहीं किया गया है कोर्ट के माध्यम से। इसी बीच बीएड बनाम बीटीसी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला। उसी संबंध में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से, एक बार फिर से बीएड बनाम बीटीसी को लेकर यहाँ से जो नोटिस है वो जारी हो गई है, जिसको आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए केस स्टेटस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, रिट ए 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा नदस के माध्यम से इस याचिका को दाखिल किया गया था 31/1/2022 को यूपीटीईटी का परिणाम जारी हो जाने के बाद। उसके संबंध में हाल ही में इसकी जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिली थी वो सितंबर महीने के अंदर ही हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इस मुद्दे को लिस्टेड कर दिया गया है 26/2022 के लिए। मतलब बीएड बनाम बीटीसी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई अब आपको 26 सितंबर को देखने के लिए मिलेगी। अब से 2-3 दिन बाद इस मामले को लेकर आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो भी सुनवाइयाँ हुई हैं उसमें सिर्फ तारीख मिली है। यहाँ पे सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी गई है, इसके अलावा कोई नया आदेश नहीं दिया गया है। लेकिन पिछली कुछ सुनवाइयों के अंदर तारीख पर तारीख लगी हैं। अब ये देखना होगा कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने पक्ष को किस प्रकार रखा जाता है, क्योंकि पीएनबी के माध्यम से सर्टिफिकेट देना भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट पर अभी भी रोक लगी हुई है। ये हो जाती दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी के मामले को लेकर। अब जो आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी वो 26 सितंबर को होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक स्कूलों के अंदर नियुक्त किए गए शिक्षा मित्रों के बारे में। शिक्षा मित्रों को लेकर लगातार राजनीतिक प्रेशर आप सभी को देखने के लिए मिलता रहता है। अगर बात की जाए वर्तमान सरकार के माध्यम से, पिछली सरकार ने कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर नियुक्ति दे दी थी, 40,000 वेतन मानदेय के साथ में सहायक अध्यापक बना दिया था। मामला हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया। फिर जब वर्तमान सरकार के माध्यम से इनके मानदेय में बदलाव करके 10,000 कर दिया गया, लेकिन अभी भी प्राथमिक स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले 1,47,000 शिक्षा मित्रों के बारे में लगातार विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया जा रहा है। ना कि सिर्फ मुद्दा उठाया जा रहा है, उनके चलते यहाँ से विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया गया है विपक्षी पार्टी मतलब कि समाजवादी पार्टी की ओर से। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सपा सरकार ने घेरा। नीचे लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की गई। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया कि शिक्षा मित्रों के लिए जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे, जो भी उनके हक में होंगे। नीचे लिखा हुआ है कि विधान परिषद में बुधवार को समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। सपा ने समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग करते हुए यहाँ पर भाजपा सरकार को शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस प्रकार की और भी तमाम जो यहाँ पर कटाक्ष यहाँ पर देखने के लिए मिले समाजवादी पार्टी की ओर से। इन शॉर्ट मामला ये है कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों का वेतन 40,000 किए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में अभी तक सरकार के माध्यम से आप जानते हैं कि 10,000 रुपये का प्रति माह के रूप में जो वेतन है वो दिया जाता है। अब इसमें बढ़ोतरी की भी लगातार कई संगठनों के माध्यम से मांग की गई थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन 4,163 पदों पर जारी हुआ था। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तभी से अभ्यर्थियों के माध्यम से तदर्थ की सीटों को जुड़वाने की मांग शुरू हो गई थी। तदर्थ सीटों को जुड़वाने के लिए सरकार के सामने बहुत सारे कहने की एक दो धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिले। कई यहाँ से ज्ञापन सौंपे गए, पत्र भेजे गए, लेकिन उन सभी पत्रों पर क्या हुआ ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करके उनके खाली पदों को शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाए,
दूसरी तरफ सरकार तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए हर वो संभव प्रयास करती है। हाल ही में आपने देखा था सीएम योगी के माध्यम से उनके लिए कमेटी बनाई गई थी, जहां पर यह कहा गया था कि उनके लिए एक प्रस्ताव बनाया जाए कि किस प्रकार तदर्थ शिक्षकों को यहां से जो बेनिफिट है वो पहुँचाया जाए, उसके संबंध में प्रस्ताव भी मैंने आपको दिखाया था। एक बार फिर से अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के लगभग 22,000 सीटों पर नियुक्त हुए तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पर कहीं ना कहीं हटाने के बजाय प्रदेश सरकार के माध्यम से क्या कहा गया है उसके बारे में जानकारी आज ही के समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कई जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोक दिए गए थे, जिसकी जानकारी मैंने भी आप सभी को समय समय पर दी थी। अब उसी के संबंध में गुलाब देवी जो कि आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोकने वाले पर होगी कार्यवाही, ऐसा कहना है गुलाब देवी जी का। कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इसके कारणों का पता लगाया जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वेतन ना दिया जाए, दूसरी तरफ सरकार कहती है जिन्होंने वेतन नहीं दिया है उन पर कार्यवाही की जाएगी। अब सरकार बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट, आप लोग कमेंट करके बताएं। उसी के संबंध में नीचे लिखा हुआ है कि किसी भी तदर्थ शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं होगी, ऐसा कहना है उनके माध्यम से राज बहादुर सिंह और भी तमाम यहाँ पे जो नाम है वो आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, लेकिन मुद्दा क्या है वो आप सभी के सामने है। सरकार के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी तदर्थ शिक्षक की जो सेवा है वो समाप्त नहीं होगी। अब 22,000 पदों पर क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अपने अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश के बारे में मैंने आप सभी को कहा था कि इसी सप्ताह अधिकारियों से जानकारी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे शिक्षा निदेशालय के कई बड़े अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में पीएनबी के माध्यम से यहाँ से जो परिणाम बनाकर भेज दिया गया है, अब आगे की कार्यवाही क्या होगी। तो अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है उसका अभी अवलोकन किया जा रहा है और उसके बाद में शिक्षा निदेशालय में एक बैठक देखने के लिए मिलेगी। वो बैठक कब आयोजित होगी इसके बारे में अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। उस बैठक के हो जाने के बाद में एनआईसी को यहाँ से आप सभी की जो परिणाम भेजा गया है शिक्षा निदेशक को, है ना, उनको उनके माध्यम से एनआईसी को भेजा जाएगा। एनआईसी भी उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू करेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में शासन का शासन आदेश का इंतजार देखने के लिए मिलेगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन आदेश कब तक जारी होता है। अधिकारियों ने बताया है कि इस हफ्ते होने वाली बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में आगे किस प्रकार कार्रवाई होगी, उसके बाद में एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा, फिर शासन यहाँ से एक शासन आदेश जारी करके आवेदन, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का पूरा जो कार्यक्रम है वो शासन जारी करेगा। इसमें कम से कम एक हफ्ते का इंतजार तो शासन का मान करके चलें, क्योंकि जब यहाँ से अधिकारी बैठक करेंगे, आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में शासन एक शासन आदेश जारी करेगा, फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा। मतलब यह है कि इसी महीने के अंत तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट मिलेगी अधिकारियों से लगातार आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी जो पूछे हैं कि यहाँ पे इनवैलिड परिणाम जारी हुआ, अब आगे क्या होगा, क्या पीएनबी से कोई उम्मीद की जा सकती या फिर नहीं, क्योंकि आज भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके पूछा था। तो स्पष्ट शब्दों में पीएनबी के माध्यम से जो परिणाम बनाकर वो शिक्षा निदेशालय भेज दिया गया है, पहला। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे किसी भी अभ्यर्थी की ओएमआर को सही नहीं माना है, उन्होंने आधा गोला करने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम को भी रद्द करने की बात कही है। अगर अभी भी आपको लगता है तो आप पीएनपी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन पीएनपी ने गलती मानी है कि वो ओएमआर के अंदर जो गलतियाँ छात्रों ने की हैं उसी के आधार पर उनका परिणाम जारी नहीं हुआ है, इसके अलावा कोई और विसंगति नहीं है। भले ही छात्रों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पीएनपी का मानना है कि उन सभी की ओएमआर के अंदर गलतियाँ हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।